नमस्ते, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको टेलीपैथी पर मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कैसे मैंने टेलीपैथी को अपने स्टूडेंट्स को सिखाया और किस तरीके से रिजल्ट हमें टेलीपैथी में मिले। टेलीपैथी पर मेरा एक बड़ा वास्ट अनुभव है, बहुत समय से मैं टेलीपैथी पे काम कर रहा हूँ और टेलीपैथी के साथ साथ हम हिप्नोसिस और टेलीकाइनेसिस पर भी काम कर रहे हैं। टेलीकाइनेसिस में क्या होता है कि आप दूर पड़ी किसी वस्तु को प्राण शक्ति से हिला डुला सकते हो। ऐसे विश्व भर में कई एग्जाम्पल हैं जो लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जिनके अंदर टेलीकाइनेसिस की काबिलियत होती है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ टेलीपैथी की। टेलीपैथी की शुरुआत एक कोर्स के रूप में हमने की, देश विदेश से उस कोर्स में लोगों ने भाग लिया, स्टूडेंट्स ने भाग लिया। हमने टेलीपैथी का शेड्यूल इस तरीके से बनाया है कि एक व्यक्ति ब्रिटेन में बैठा है, दूसरा इंडिया में बैठा है, एक व्यक्ति साउथ अफ्रीका में बैठा है और दूसरा जर्मनी में बैठा है। और इस तरीके से हमने टेलीपैथी मैसेज के प्रैक्टिकल किए। शुरू में जो स्टूडेंट थे टेलीपैथी के, वो मैसेज भेजते थे कलर्स के रूप में। पहला हमारा जब हम शुरुआत करवाते हैं तो कलर्स के रूप में हम लोग मैसेज भेजते हैं, यानी कि सामने वाले को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको इस समय बैठना है, घंटे के टाइम के हिसाब से टाइम सेट करते हैं और उधर दूसरा साधक बैठता है, इधर पहला साधक बैठता है। एक साधक रिसीव करता है और वहीं दूसरा साधक जो है वो उसको सेंड करता है, एक रिसीवर एक सेंडर। दोनों को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, हमारी तरफ से फाइल्स भेजी जाती हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि किस तरीके से बैठना है और कैसे शुरुआत करनी है, कैसे मैसेज को रिसीव करना है। ऐसे ही उस व्यक्ति को जो सेंड कर रहा है उसको किस तरीके से बैठना है, कैसे मैसेज भेजने हैं, कलर कैसे एज्यूम करने हैं, जो कलर भेज रहे हैं उनको किस तरीके से एज्यूम करना है। इस तरीके से जब एक सेंडर दूसरे रिसीवर को भेजता है तो मज़े की बात यह है कि एक व्यक्ति ब्रिटेन में बैठा हुआ है, दूसरा सिंगापुर में बैठा हुआ है या इंडिया में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति बड़ी आसानी से एक दूसरे को मैसेज भेज पा रहे होते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। शुरू में मैंने जब एक्सपेरिमेंट किए इस पर तो ऐसा लगा कि ये हो नहीं पाएगा, ये किस तरीके से मुमकिन है। अभी भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने ज्वाइन किया, उनको विश्वास नहीं था कि ऐसा हो पाता है। हालांकि ये जो कलरफुल मैसेज भेजना ये जस्ट एक शुरुआत है, ये इसका एंड नहीं है, बिल्कुल शुरुआती स्टेज है। कलरफुल मैसेज के बाद हम कलरफुल सीन्स भेजते हैं कि जैसे सनराइज़ भेज दिया, सनसेट भेज दिया, लेक भेज दी और सी भेज दिया, सी शोर भेज दिया, कोई बड़ा मैदान भेज दिया, कुछ भी, मतलब कि कोई बड़ा बड़ी सुंदर सीनरी भेज दी, कोई पर्वत या कोई भी बहुत अच्छे से वृक्ष, कोई बाग या कुछ भी भेज दिया। फिर मोनूमेंट्स भेज दिए, जैसे ताजमहल भेज दिया, लाल किला भेज दिया, गोल्डन टेंपल भेज दिया, या मान लीजिए जर्मन में कोई व्यक्ति है तो वो वहाँ का अपना कोई मोनूमेंट भेजेगा इंडिया वाले को, इंडिया का है तो कोई यहाँ का उसके घर के पास का, उसके सिटी के अंदर का कोई मोनूमेंट का जो सीन है वो भेज दिया। सीन की सेम चीज़ें वहाँ पे रिसीव होती थी। ये तो हो गया जो साइट की चीज़ें, जो दिखने वाली चीज़ें उनको भेजने का। फिर हमने साउंड्स पे ये प्रैक्टिस की, मंत्र भेजने शुरू किए, जैसे गायत्री मंत्र है, एक ओंकार है या फिर किसी भी धर्म के मंत्र, डिपेंडिंग अपॉन कि सामने वाला किस धर्म से संबंधित है। इस तरीके से हमारा ये कोर्स चला। फिर हमने उसके बाद मंत्र के साथ साथ खुशबू भेजनी शुरू की कि आप जहाँ पे सेंटर जहाँ पे बैठा है वो अपने आसपास कोई अगरबत्ती जलाएगा या फूल रखेगा, उसी फूल की खुशबू जो है वो रिसीवर को भेजेगा, रिसीवर जो किसी और कंट्री में बैठा है या इंडिया में ही किसी और पार्ट में बैठा है तो वो भी रिसीव हुआ। फिर हमने तरह तरह के इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए। ये तो एक्सपेरिमेंट ये थे कि दोनों व्यक्ति एक ही साथ एक ही समय में बैठते थे, फिर हमने इसको चेंज किया। उसमें चेंज हम ये लेके आते हैं उसके अंदर कि दोनों व्यक्ति जो हैं अलग अलग टाइम पे, सामने वाला व्यक्ति उस वक्त मेडिटेट नहीं कर रहा है, बैठा भी नहीं है तो मैसेज भेजेगा, तो भी मैसेज रिसीव हुए। अभी और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने किए
जो अभी मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हैं, वो भी हमने किया टेलीपैथी पे। और हिप्नोसिस से पहले टेलीपैथी सीखना बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक आपको टेलीपैथी नहीं आएगी, हिप्नोसिस आप नहीं सीख पाएंगे। हालांकि अभी हम हिप्नोसिस सिखाते नहीं हैं, लेकिन हिप्नोसिस थेरेपी पे हमारा काम चल रहा है। हमारा उद्देश्य हिप्नोसिस में उसका पॉजिटिव यूज़ करने का है, किसी को भी हिप्नोटाइज करके कुछ भी ऐसा वैसा करवाने का नहीं है। हम चाहते हैं कि हिप्नोसिस से किसी का ट्रीटमेंट हो सके, किसी की काउंसलिंग हो सके और किसी का फ़ायदा हो सके। इस तरीके से हमारा ये सब कुछ जो है चल रहा है। और टेलीपैथी में अभी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जो इसमें बताने वाले एक्सपेरिमेंट होंगे हम आपको ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। आप जुड़े रहिए हमसे योगा माई लाइफ पर। आपका दिन मंगलमय हो।